नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, ये जो आप लोटस का फ्लावर देख रहे हैं, इसमें एक तो अधखिला फूल है और एक छोटी सी बड है। दोस्तों, ये दोनों एक वैरायटी होती है मिराकुलस मिराकिल, ये वो वाली वैरायटी है। इसका भी हम आगे आपको फ्लावर दिखाएंगे। इसका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और दोस्तों, इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें इतने सारे पेटल्स होते हैं कि इसको अपने आप से इसके पेटल्स को खोलना पड़ता है, माने फ्लावर को खोलना पड़ता है। ये अपने आप जो है वो खिल नहीं पाता है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा पेटल्स होते हैं, जैसे यूटीपी होता है अल्टीमेट 1000 पेटल, उसको भी अपने हाथ से खोलना पड़ता है। उसी प्रकार से इस मिराकिल में भी बहुत सारे पेटल्स होते हैं। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा होता है कि पेटल्स की जो टिप है वो पिंक कलर की होती है और नीचे जो है बीच में इसका कलर वाइट होता है। तो जब ये कम्प्लीटली खिल जाता है तो इसका जो फ्लावर है वो देखते ही बनता है। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम दोस्तों आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी केयर कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मिराकिल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा ट्यूबर नहीं बनाता है, ये रनर बनाता है। अगर आपके आसपास कहीं इसका रनर मिल जाता है, उससे अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो भी ये फ्लावर जो है वो देता है और अच्छे से ब्लूम करता है। दोस्तों, मिराकिल की एक और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हैवी ब्लूमर होता है, इसको बहुत बड़े पॉट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो टब है, यूजुअल टब है, पिछले साल भी हमारे पास अच्छे से ब्लूम हुआ था। इस टाइम ये बहुत अच्छे से हमारे पास ब्लूम हो रहा है। अभी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, पूरी बड दिखाएंगे। एक बड जो है अभी और इसमें आ गई है। दोस्तों, लोटस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जैसे और जो प्लांट होते हैं उनमें ब्लूमिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों इसमें जो ब्लूमिंग होती है लोटस में, इसमें नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है, प्रभावशाली होता है। नाइट का टेम्परेचर जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने लगता है तो लोटस में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप इंडिया में किसी भी एरिया में रहते हो, अगर आपके यहाँ अब टेम्परेचर 25-26 से ऊपर हो रहा है तो आपके प्लांट्स में बड स्टार्ट हो गई होगी। दोस्तों, जैसा कि आप टब में आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों ये देखिए बहुत हेल्दी नई लीफ निकल रही है। इसके साथ में इसमें डकवीड जो है हमारे टब में बहुत पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके लोटस टब में डकवीड ग्रो हो रहा है, इसके अलावा अगर आपके एल्गी या स्पायरोगायरा ग्रो हो रहा है, तो आप ये मान लें कि आपका जो पौधा है वो सही जगह रखा हुआ है, माने उसमें सनलाइट जो है पर्याप्त मात्रा में उसको मिल पा रही है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो अच्छे प्रकार से पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर आपके इसमें टब में एल्गी ग्रो होने लगे, और तो ये इस बात का साइन है कि इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में इसको सनलाइट मिल पा रही है। दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा उंगली है, मैं अभी आपको देखो और ध्यान से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये नई बड़ इसमें अभी स्टार्ट हो गई है, ये नई बड़ इसमें आने लगी है। तो दोस्तों, जब भी आपका फ्लावर बड पे आता है तो उस समय आपको थोड़ा केयर करने की ज़्यादा जरूरत होती है। इसको फर्टिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, माने इसमें उर्वरक डालने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इस बात की राय देंगे, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि इस टाइम आपको NPK नहीं देना है, क्योंकि NPK जो है जब आप वेजिटेटिव ग्रोथ आप चाह रहे होते हैं उस टाइम होती है। दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी इसमें क्लियर है, हालांकि ये भी पानी के काफ़ी नीचे है, जितना हमने पानी भर रखा है उसके नीचे है, उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि अगर आप कोई पौधा लगाते हैं और उसमें पहली बार जब बढ़ आती है तो कितनी खुशी होती है। ये तो वो लगाने वाला समझता है या हम समझ रहे हैं। तो हमने आज जैसे इसकी बड़ देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके टब में बहुत ज़्यादा मात्रा में डकवीड हो रहा है, माने ये वाला पौधा ग्रो हो रहा है, तो आपको कुछ मात्रा में डकवीड को हटा देना चाहिए। हालांकि आप कम्प्लीटली नहीं हटा पाएंगे, तो इस प्रकार से आप छन्नी ले लें और छन्नी से इस प्रकार से जितना हो सके अधिकतम रिमूव करने की कोशिश करें। अगर इसमें दो चार भी रह जाते हैं तब भी दोबारा फिर से ग्रो कर जाती है, तो एल्गी को और डकवीड को आप नहीं हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने मछली पाल रखी है तो जो चिड़िया है या कौवा है वो मछलियों को नहीं खा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि दोपहर का जो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये डकबीट नीचे जो फ्लावर बड निकल रही होती है उससे उसकी सुरक्षा करता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी ये है कि जैसे ही आप इसको फर्टिलाइज करते हैं, माने इसमें DAP या NPK या CBD वगैरह जैसे इसके अंदर डालते हैं, तो डकवीड सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करने लगता है, माने एल्गी जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करने लगती है। तो ये इसकी थोड़ी दिक्कत होती है कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो
डकबीट या स्पायरो गायरा जो होता है वो ले लेता है, इसलिए प्रॉपरली आपको हफ्ते में एक बार छन्नी से जितना आप अलग कर सकते हैं उसको इस प्रकार से अलग कर देना चाहिए। लेकिन ये है कि एक ग्रो करेगा, एक नेचुरल कंडीशन है, माने इसका प्राकृतिक आवास है लोटस का, कि वहाँ पे एल्गी भी होगी और वहाँ पे पत्तियाँ सड़ेंगी भी। तो सबसे एक और तरीका ये होता है कि आप पत्तियों को, जो सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं, उनको हटाते रहें, रिमूव करते रहें। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको आपको फॉलो भी करना चाहिए, कि जब भी पत्तियाँ इसकी सड़ जाती हैं तो उसकी पत्तियों को तोड़ के आप, कुछ लोग ये करते हैं कि इसकी मिट्टी के अंदर ही जो है वो दबा देते हैं, तो लोटस की सड़ी हुई पत्तियों को कभी भी आपको इसकी मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, क्योंकि बहुत सारी जो पत्तियाँ होती हैं उन ऊपर माइट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारा फंगस भी होता है। तो आपके, आपका जो पौधा होता है उसमें नेचुरली, मतलब जो है प्राकृतिक रूप से जब आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो सॉइल बोर्न डिजीज और उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों चूँकि ये हाइब्रिड लोटस होते हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि सड़ी हुई पत्तियों को हटा देना है, एल्गी को या डकबीट को रिमूव कर देना है। आइए बात कर लेते हैं फर्टिलाइज के बारे में। दोस्तों जब भी आपको फर्टिलाइज करना है तो आपको केवल अखबार लेना है, माने जो पेपर है उसको लेना है, और इसमें कुछ मात्रा में आप डीएपी ले लें। हमने जैसा पहले बताया था कि आपको एनपीके नहीं लेना है, डीएपी जो है वो फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, और जब फ्लावरिंग टाइम होती है तो आपको डीएपी देना चाहिए। दोस्तों डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट होता है, और फास्फेट जो होता है वो फ्लावर्स को, ब्लूमिंग को बूस्ट करता है। दोस्तों देखिए इतनी मात्रा में, माने आप समझ रहे होंगे मुश्किल से ये 5 ग्राम हमने ली होगी, और एक इस प्रकार से आपको पुड़िया बना लेनी है। कभी भी कापी वाला जो पेज है आपको नहीं लेना है, क्योंकि कापी वाला पेज जो होता है वो गलने में थोड़ा टाइम लेता है, और अखबार वाला जो पेपर होता है ये बहुत जल्दी गल जाता है। और दोस्तों सामान्यतः जहाँ पे बीचों बीच में इसको कायदे में मिट्टी के अंदर दबाना है, लेकिन हम दोस्तों वहाँ पे दबाएंगे जहाँ पे इस समय हमारी फ्लावर बड आ रही है, थोड़ा सा उसके दूर को दबाएंगे, जहाँ से उसकी, हालांकि जहाँ पर से फ्लावर बड निकलती है वहाँ पे नोड होता है, और वहीं पे बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही ये मिट्टी के अंदर ये डीएपी घुलेगी तो सबसे डायरेक्ट सपोर्ट जो है हमारी फ्लावर बड को ही मिलेगी। आप हमारे हाथ को ध्यान से देखिए कि यहीं पे जो है ये फ्लावर बड है, और यहीं पे पास में ही हमने जो है वो डीएपी को इसके अंदर दबाया हुआ है। दोस्तों जो इस लोटस की गार्डनिंग है बहुत आसान होती है, हमने इसके संबंध में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, कभी हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम निश्चित रूप से आपके किसी भी प्रॉब्लम का जवाब देंगे। दोस्तों लेकिन बताई हुई बातों को आपको जरूर फॉलो करना है। प्रॉपरली आपको 15 दिन में एक बार इसका पानी चेंज करना है। फर्टिलाइजर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में आप फर्टिलाइजर दे देते हैं तो पौधा जो है आपका ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपने मिराकिल नहीं लगाया है तो आपको मिराकिल लगाना चाहिए। ट्यूबर के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।